जी, मेरा नाम मोहम्मद नौसाद है। मैं मार्बल का जॉब करता हूँ, उसमें काउंटर, किचन काउंटर, बाथरूम का काउंटर, ये सब, ये टेबल काउंटर जो है वो मैं बनाता हूँ मुंबई में। मैं कुछ नया लगा मेरे को सीखने के लिए, इनका जो एपॉक्सी का है तो उनमें कुछ सीखने के लिए हमको, मैं बिहार से हूँ, मेरा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ कुछ सीखने के लिए इनके पास। तो मैं 4 दिन में अभी इनके पास कुछ सीख लिया हूँ और कुछ सीखना बाकी है, जो अभी और मेरा ट्रेनिंग चलेगा 3-4 दिन। ये हम सोच के आए थे कि मार्बल पे कुछ नया करना है हमको। हम लोग मार्बल से जुड़े हुए हैं, मार्बल पे मैं डिज़ाइन बनाता हूँ मैं खुद, लेकिन ये कुछ नया है, उसको मार्बल के ऊपर नया कुछ डिज़ाइन बनाना हो आपको काउंटर में, या गेट पे कुछ लगाना हो, दीवार पे कुछ लगाना हो, तो ये घड़ी बनाते हैं, घड़ी का नया कुछ टेक्सचर देना हो तो वो है। हमने तो अभी मार्बल पे टेक्सचर जैसा वो डिज़ाइन चेंज करते हैं वो बनाना सीखे हैं, लकड़ी वुड पे बनाते हैं, काउंटर बनाना सीखे हैं उनसे, एक मैं नेम प्लेट बनाना सीखा हूँ, बाकी और कुछ काम हो रहा है वो कुछ अलग मैं सीखा हूँ, देखा हूँ वहाँ पे, तो वो कुछ अलग सीखा, बाकी 3 चीज़ तो मैं खुद अपना बना के ले जा रहा हूँ। मैं तो अपना खुद का काम करता ही हूँ, बाकी कुछ और लोगों के नई नई वैरायटी है वो भी यहाँ पर होता है, जो कुछ हमको भी सीखने को मिला नया कि भाई ये चीज़ करेंगे हम तो हमको भी फ़ायदा होगा, बाकी कुछ लोग हमसे भी सीख के गए हैं कि भाई ये चीज़ आप करो। मेरा प्लान है कि मैं अभी जाऊंगा मुंबई, मुंबई जाने के बाद मैं अपना कुछ छोटा मोटा ये काम चालू करूंगा। मार्बल से मेरा काम तो है ही है, लेकिन मार्बल के अलावा ये प्लाई बोर्ड पे ये काम होता है। मार्बल में किसी को मार्बल पे कराना है तो मार्बल भी डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, आपका ब्लैक है मैं वाइट कर दूंगा, फिगर ला के दूंगा, जो इटालियन फिगर है, जो फिगर आप चाइना में जो मेटेलिक फिगर आता है वो इटालियन फिगर, वो मैं ला के आपको दूंगा, प्लाई बोर्ड पर भी ला दूंगा, ग्रेनाइट के मार्बल पर भी ला के दूंगा। ये काम छोटे प्रोजेक्ट से, मतलब छोटे अमाउंट से काम स्टार्ट हो सकता है। आप अपने घर पे छोटी सी जगह 10x10, 20x20 का एक रूम आपका हो, वहाँ पे आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं है, बाकी धूल मिट्टी इतना नहीं है, थोड़ा मोड़ा है लेकिन धूल मिट्टी वो फिनिशिंग के टाइम थोड़ा है, बाकी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप एक जगह, छोटी जगह कहीं भी आप अरेंज करके काम कर सकते हैं। मशीनरी भी ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे मशीनरी है, बाकी ज़्यादा काम इसमें हाथ का ही है, केमिकल का है, कोई भी ये काम आराम से कर सकता है। छोटे मोटे आदमी है जो आप छोटा मोटा जॉब करते हैं, परेशान है कहीं कुछ, छोटे मोटे थोड़ा मोटा पैसा लगा करके आप ये कर सकते हैं। इनका सर का तरीका सिखाना का सही है, ठीक है, वो अच्छे से बात करते हैं सब। जो अगर आपको नहीं पूछना है, आपको ऐसा लगा कि भाई कुछ हमको जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा, वो बताते हैं ऐसा ना ऐसा करो, बाकी जो उनके पास है बताने का तरीका वो बताते ही हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। बाकी YouTube पे तो आता रहता है, आप YouTube को देखिए, चेक करिए इनका डिज़ाइन सब नया नया, हर 2 महीने 3 महीने पे 1 महीने पे डिज़ाइन सब चेंज होता रहता है, वो भी चीज़ है, लुक जो नया नया आता रहता है। मतलब आप अगर फर्नीचर का काम करते हैं तो फर्नीचर वाले भी आ सकते हैं, स्टोन में काम करते हैं स्टोन वाले भी आ सकते हैं करने के लिए। आप मार्बल में फैक्ट्री में हो, लड़के फड़के हो, तो आप आकर के एक बार यहाँ इंटरव्यू या ट्रेनिंग ले करके कुछ अलग से अपना काम कर सकते हो।